इस शुभ मुहूर्त पर ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वाह सुंदर, अति सुंदर। विवाह की तैयारी शुरू हुई। मिथिला में आनंद की लहर दौड़ने लगी। मिथिला और अयोध्या एक हो गए। राजा जनक ने यज्ञ शुरू किया। हर जगह दीप प्रज्वलित हो उठा। आकाश में आतिशबाजी होने लगी। विवाह मंडप में दशरथ के चारों पुत्र एक साथ पधारे। कुलगुरु वशिष्ठ देव एवं मुनि विश्वामित्र भी साथ थे एवं स्वर्गलोक से देवतागण विवाह देखने के लिए आकाश में प्रकट हो गए। वहां भगवान ब्रह्मदेव भी उपस्थित थे। आदित्य सुंदरता के प्रतीक बनी राजा जनक की कन्या सुंदरी सीता। हे ऋषिवर, अब आप विवाह का कार्य संपन्न करें। अति उत्तम, यही होगा महाराज जनक। मुनि विश्वामित्र, आप अनुमति दीजिए विवाह कार्य संपन्न। मैंने अनुमति दिया। जय जय श्री रामचंद्र की जय। जय जय श्री रामचंद्र की जय। रामचंद्र, सीता मेरी कन्या है। आज से सीता तुम्हारी अर्धांगिनी हुई। सीता सौभाग्यवती पतिव्रता होकर हमेशा तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगी। विवाह के बाद राजा दशरथ राम और सीता को लेकर अयोध्या आ गए और रामचंद्र के राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे। क्या कह रही हो मंथरा, कल राम का राज तिलक होगा। तुम बुद्धू हो। राम अगर अयोध्या का राजा बना तो कौशल्या राज करेगी। तुमको तो महल की दासी बना कर रखेगी। कुछ समझी? और रामचंद्र भारत को नौकर भी बना सकता है। राम की पत्नी सीता महारानी बन के सुख भोगेगी और भरत की पत्नी को दासी बना कर रखेगी। समझी कि नहीं? राम राजा होने से भरत राजा नहीं बन सकता। अयोध्या का सिंहासन राम के पुत्र को मिलेगा। यही भांति तुम और भरत राजवंश से बहुत दूर हट जाओगी। राजमहल से बाहर रहना पड़ेगा। मंथरा, सही बात है मंथरा। तुमने मेरी आंखें खोल दी मंथरा। खोल दिया ना?
कल राम का राज तिलक है, परंतु महाराज ने मुझे क्यों नहीं बताया? निश्चय ही मन में कोई खोट है, नहीं तो बोले क्यों नहीं? हाँ? ठीक ठीक मंथरा, तू सचमुच मेरा भला चाहती है ने? बोल बोल तू मंथरा, मैं इस समय क्या उपाय करूं? भारत को राजगद्दी पर बैठाने के लिए कौन सा उपाय करूं? और किस उपाय से मैं राम को वनवास भेजूं? वो अस्त्र तो तुम्हारे ही पास है रानी माँ। ये सुख और ये आनंद राजा दशरथ के पास अधिक समय नहीं रहा। मंथरा के कुमंत्रणा से कैकेयी राजसी वेश त्याग कर कोप भवन की मिट्टी पर लेटकर प्रतिज्ञा की। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ मंथरा, राम को 14 वर्ष का वनवास और पुत्र भरत को राजगद्दी नहीं दिलवाई तो इस कोप भवन में अपना प्राण त्याग दूंगी। मेरी इस प्रतिज्ञा को महाराज दशरथ तक पहुंचा दो मंथरा। कैकेयी के बुलावा आने पर राजा दशरथ कैकेयी से मिलने चल दिए। राजा दशरथ रानी कैकेयी को राज्याभिषेक का संवाद देते, किंतु कैकेयी को महल में ना पाकर दासी कैकेयी कहाँ है? रानी कैकेयी तो यहाँ नहीं है महाराज। तो कहाँ है कैकेयी? वो तो गहने गुड़िये और राज बेस उतार कर कोप भवन में लौट रही है। कोप भवन में? हाँ महाराज। क्यों कोप भवन में क्यों? वो तो हमें नहीं बताया महाराज, आप कोप भवन में जाइए समझ जाएंगे। हाँ? तुम्हारी चाल बाजी मैं तार गई हूँ। अब देखते हैं कौन कितने पानी में है। ये अशुभ समाचार सुनकर राजा दशरथ कोप भवन की तरफ चल दिए। कैकेयी तुम अयोध्या की रानी हो, कोप भवन में क्यों आई हो? भूमि पर क्यों लेटी हो? कारण है, इसीलिए तो कोप भवन में आई हूं। सिर्फ कारण बताओ। रानियों में तुम ही सबसे सुंदर और गुणी हो। झूठी बात। ये बात सच है कैकेयी। तुम अस्वस्थ हो, तुम यहीं रुको, मैं किसी अच्छे वैद्य को बुलाता हूं। मैं अस्वस्थ नहीं महाराज। तो इस तरह अपने आप को कष्ट क्यों दे रही हो? बताओ मुझे, तुम्हें किसने कष्ट दिया है? इसी समय उसका वध कर दूंगा कैकेयी। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता कैकेयी। बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, किसे वध करना है? एक बार बोलो तुम। सूर्य जिस प्रकार अंधकार को नाश करता है उसी तरह उसका भी मैं नाश कर दूंगा। उसका नाम मुझे बताओ कैकेयी। महाराज महाराज आपने क्या एक बार भी बताया कि कल राम का राज्याभिषेक है? बताइए, आपने बताया? हाँ कैकेयी, कल अभिषेक अनुष्ठान है। व्यस्तता के कारण मैं नहीं बोल पाया। तुम इस बात को किसी और रूप में मत लो कैकेयी। किंतु मैं यहाँ इसलिए नहीं लेती हूँ महाराज। तो फिर महाराज मेरी एक इच्छा, मैं चाहती हूँ आप उसे पूरा कीजिए। अवश्य अवश्य पूरा करूंगा कैकेयी। मैं तुम्हारे लिए प्राण भी दे सकता हूँ प्रिय। तुम तो जानती हो राम के बाद सबसे प्रिय तुम ही हो कैकेयी। तो फिर राम के नाम शपथ लीजिए, आप मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे।
जिस राम को देखे बिना नहीं रह पाता उसी के नाम शपथ लेकर कहता हूँ तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। आप धन्य है महाराज, इसके अलावा मेरी एक और इच्छा है महाराज। वो क्या? हाँ महाराज, आपको याद दिला दूं, तिमी ध्वज के साथ युद्ध के समय आप घायल हो गए थे। उस समय रणभूमि से बाहर ले जाकर मैंने आपको स्वस्थ किया था। इस बात को अभी तक नहीं भूला हूँ। उस समय आप मुझे तो वरदान देना चाहते थे। हाँ अवश्य के गई, परंतु वो वरदान मैं अभी तक नहीं मांगी हूँ महाराज। हाँ बोली थी सही समय आने पर अपना वरदान मांग लूंगी। अब वो वरदान मांगने का समय आ गया है महाराज, इसलिए अपना वचन पूर्ण कीजिए। अवश्य तुम अपना वरदान मांगो के गई। आपने रामचंद्र के नाम शपथ लिया है महाराज। मैं तुम्हारी हर बात स्वीकार करूंगा प्रिय। ठीक है महाराज, मेरी पहली इच्छा रामचंद्र के लिए 14 वर्ष का वनवास। और मेरी दूसरी इच्छा राम के बदले भरत का राज्याभिषेक। प्रिय, प्रिय, ये तुम क्या मांग रहे हो प्रिय? ये तुमने क्या किया कि कहीं? राम का निर्वासन और भरत का अभिषेक, धर्म हो अथवा अधर्म हो, सत्य हो या असत्य, परंतु आपने जो वचन दिया है उसका कोई विकल्प नहीं है महाराज, आपको वचन रखना ही होगा महाराज, आपको वचन रखना ही होगा महाराज। एक बात याद रखिए महाराज, अगर राम का कल राज्य अभिषेक हुआ तो मैं आपके सामने विष पीकर आत्महत्या करूंगी। नहीं के गई, नहीं, नहीं। मैं पुत्र भरत के नाम शपथ लेती हूँ, अगर आपका वनवास नहीं हुआ तो मैं किसी भी प्रकार संतुष्ट नहीं हूँ। नहीं के गई, किसी भी प्रकार नहीं।